नहीं बिक रही है चाय, बिकी ना रही है, तो ठंडी होगी जब तो बिकेगी, ठंडी हो ही नहीं अभी। आज हमारी देश के जवान शहीद होते हैं, उनकी डेड बॉडियां घर तक आती हैं। आज किसी बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देख दे, उसे सीधा एनकाउंटर किया जाता। 24 में मोदी को आना चाहिए, देश को जरूरत है मोदी को। चाय वाला देश चला रहा चाय अब। नहीं बिक रही है चाय, बिकी ना रही है, कहाँ बिक रही है, भरी रखी है। थोड़ी देर में देखिए अभी थोड़ी ठंडी होने, जब ठंडी होगी जब तो बिकेगी, ठंडी हो ही नहीं अभी, अब के बाद में ठंड पड़ेगी, बाद में पड़ेगी ठंड। अब लोग तो कह रहे हैं कि चाय वाला ही बेस्ट है, देश चला सकते हैं। नहीं नहीं ये कुछ नहीं है। हाँ, क्या बात है, चलिए उनके पास जाते हैं। क्या 24 में कौन देखिए खाऊं बेचन दे रहे हैं चाय। कहाँ बेचन दे रहे हैं बताए, ठाड़े तो रोड पे मोदी है। अरे मोदी आएंगे, कौन आएगा आवेंगे तो मोदी, और कौन आवे हो। राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे, युवा नेता हैं। राहुल गांधी पता ही ना कहाँ है, कहाँ मालूम पड़ रही है कहाँ है। हाँ, अरे कल सुबह सुबह पहलवानों के बीच पहुँच गए थे, पहुँच गए कुश्ती करके आए हैं। अच्छा तो फिर आवेंगे जरूर। हाँ, तो आएंगे 24 में राहुल गांधी। हाँ फिर तो आएंगे, बढ़िया काम करेंगे तो आएंगे। 24 में राहुल गांधी या मोदी बताइए कौन आएगा। फिर तो राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी जी। हाँ मोदी क्यों नहीं, मोदी को क्यों हटा रहे हैं आप, हटा रहे हैं देख रहे हो, रोड पे मारे फिर रहे हैं तो उन्हें काम करना। चाय वाला देश चला रहा है, चाय वाला चाय आप बेच रहे हैं, क्या पता कल को आप देश चला ले। अरे हम चला लेते तो फिर यहाँ क्यों मारे फिरते, काम है ना बिल्कुल। रोड तक मोदी की गारंटी चल रही है, जगह जगह चल रही है। तो फिर कहा तो फिर मोदी जी आएंगे। आप तो 2 मिनट में पलटी करते हैं, वो आएंगे ना, जो काम अच्छे करे तभी तो आवे हो, कोई अच्छे काम नहीं करे कितने करे, देख रहे हो रोड पे मारे फिर रहे काम। पहले क्या करते थे, अच्छा ठीक है, कांग्रेस के काल में आप कौन सा रोजगार, अंदर बेच रहे थे, चाय पे आ गए और अंदर बेच रहे थे, अंदर बेच रहे अंदर। अब यहाँ आ गए, हिमना बेच बाहर आ गए। सौंदर्य भी तो देखिए कितना सौंदर्यकरण किया है मोदी। अरे तो ये तो करा पे रोजगार तो सब छिन गयो, रोजगार कहाँ कंधे तो मोदी। ये तो एक जगह बाहर आपको जगह दे दी, कहाँ दे दी बताइए, ना कहूँ बेचन दे रहे ना कच। 24 में कौन, 24 में मोदी आएंगे। मोदी क्यों, मोदी क्योंकि काफी कुछ किया है उसने। क्या किया है मोदी ने ऐसा कि 24 में मोदी ही आएंगे। देखो लड़कियों के लिए भी किया है उसने, 150 के लिए, और काम भी अच्छा अच्छा करा है उसने। तो ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई और विकल्प नहीं है। क्या लगता है 24 में कौन, मोदी जी। मोदी ही क्यों, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया। क्या अच्छे काम किया, कोई 5 काम मोदी के गिनवा दी। 5 काम गिनवा दें, गरीबों को फ्री राशन। दूसरा काम गरीबों को फ्री गैस। तीसरा काम बॉर्डर सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाई। क्योंकि कांग्रेस के सरकार में हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद होते थे, उनकी डेड बॉडियां घर तक नहीं आती थी। आज हमारी देश के जवान शहीद होते हैं, उनकी डेड बॉडियां घर तक आती हैं। कांग्रेस के सरकार में कितना क्राइम था, स्कूल से बेटी पढ़ करके निकलती थी, उसके साथ अत्याचार होता था। आज किसी बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देख दे, उसे सीधा एनकाउंटर किया जाता। ये मोदी जी के काम है। और रही बात बाबा योगी की, यूपी में योगी ही आएंगे, यूपी में भी योगी आएंगे। हाँ, जिसको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मोदी योगी का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे हम, कोई भी तोड़ नहीं है। जिसको जो करना करके लीजिए, कर लीजिए। क्या कहेंगे 24 में, किसकी जनता ही फैसला करेगी, क्या बताएं, क्या सोच रखा है 24 में, बदलाव होगा या मोदी ही दोबारा। बदलाव जरूर होगा, राहुल गांधी आएंगे वो पतो को नहीं, भाई राहुल आएगा या मोदी आएगा, बट बदलाव परिवर्तन जरूर होगा। आ बात को रहे लरीज की को रहे नहीं, आवाज है हाँ परिवर्तन। क्या लगता है 24 में मोदी को आना चाहिए, देश को जरूरत है मोदी को। मोदी आएगा तभी देश का है, नहीं तो फिर देश हमारा जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि मोदी की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। नहीं कोई झूठ बात है, ये बात झूठ है, झूठ है, झूठ है। मतलब मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी जरूर आएंगे। कौन आएगा 24 में, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी ही। ये क्या बात हुई, मतलब मोदी क्यों आएंगे, मोदी आएंगे वैसे काम तो अच्छे। अरे मोदी तो भाई देखो सब जनता मोदी को कह रही है, तो मैं आपका पीछे रहूंगा, उसी चाल में चल। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि आपके हकों का किसी का हनन हो रहा है। हाँ हनन तो हो रहा है, देखो हमारा जो काम कर रहे थे हम पहले पीछे अंदर बेचते थे इंडिया गेट में, और क्या कहते हैं पहले इंडिया गेट के हालात क्या थे, और अब इंडिया गेट बदलाव है, बदलाव तो है, तो हमारा तो नुकसान हो गया। पहले हम मान लो कितना कमाते थे, और वो दिन पे दिन हमारा काम कम होता जा रहा है। 1400 दुकानदार की इसी मोदी ने पिटवा दिया, जाके अभी हम लोगों को ये मिला है, 7 रास्ता खोल दिया।
सात रास्ता में किधर का पब्लिक को टेकअप करेंगे? एक जगह की पब्लिक को कर लीजिए तो एक जगह से है। मोदी एक जगह जीत जाए और सरकार बना ले, बना लेगी क्या? सही बात है, पूरे देश से प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो उसी तरह हमारा भी एक रास्ता था तो उससे अच्छी कमाई थी। पहले एक जगह खड़े हो गए सारा सामान सब जाएगा। पहले पहले सब जगह पूरे इंडिया गेट में अंदर इधर सब लोग सामान बेचते थे तो हमारा काम हो जाता था। अब एक जगह खड़े हो गए बाद सारे वेंडर एक 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 साथ बर्बाद करो क्यों? अरे ये नहीं जाके बेखदी वदी की लगा रखा है जाके बहुत सारा पैसे बर्बाद कर दिए, राम मंदिर बना दिए। अरे तो राम मंदिर बाबू का उसका पैसा लगा है? राम मंदिर मोदी का बाबू का पैसा लगा है क्या? बाबू का नहीं लगा, पूरी जनता का लगा। हम गए उस तोड़ने जिस समय टूट रहा था उस समय हम गए थे। अच्छा। हमारा विश्व हिंदू परिषद की पैसा वहाँ आया हुआ है। ये है कि मोदी खुशी है कि नहीं है 500 साल बाद मंदिर मिल रहा है? वो तो खुशी होता ही है, तो वो तो बहुत खुशी है। तो जाएंगे 22 तारीख को जरूर जाएंगे। जा रहे हैं? जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बात है। तो देखिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।